हेलो माय सुपर ब्यूटी क्वींस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये सुपर इजी एंड क्विक रक्षाबंधन मेकअप। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे राखी मेकअप। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ब्लू हेवन फाउंडेशन और ब्लू हेवन ट्यूब फाउंडेशन के बीच में कंपैरिजन वीडियो करो। तो इसीलिए मैं आज ये हाफ ऑफ द फेस पे ब्लू हेवन का ये बॉटल वाला फाउंडेशन लगाऊंगी और हाफ ऑफ द फेस पे मैं ट्यूब वाला फाउंडेशन लगा के आपको दिखाऊंगी। तो इस वाले बॉटल वाले फाउंडेशन में आपको जो है स्पैचुला दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज, ये आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन का लिंक दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारे डिस्काउंट चल रहे हैं इस टाइम पे। सो नेक्स्ट, दूसरी साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ट्यूब वाला फाउंडेशन। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी ज़्यादा थिक लगी, इसीलिए मैं इसको जो है डॉट डॉट्स करके अप्लाई कर रही हूँ। इसकी स्मेल भी थोड़ी सी केमिकली वाली है। तो अभी मैं आपको फेस पे लगा रही हूँ, देन एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही ईजी से ब्लेंड हो गई थी। अगर आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन है कोई, तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड नाइस बीबी क्रीम। सो नेक्स्ट, मैं अभी ब्लेंड करने वाली हूँ जो फाउंडेशन है वो। सो फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है गाइस, और बहुत ही ईजीली से ब्लेंड भी हो रहा है। और इस फाउंडेशन की कवरेज जो है शीयर से मीडियम कवरेज है। तो यस, आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। मुझे बेबी क्रीम के कंपैरिजन में फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आप इस फाउंडेशन को बाय कर लो। देन नेक्स्ट स्टेप मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर मैं अंडर आई डार्क सर्कल पे लगाऊंगी, अराउंड द माउथ लगाऊंगी, बिकॉज अराउंड द माउथ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाती है अक्सर करके, हमने नोटिस किया है। नोज़ पे मैंने लगाया है, देन फॉरहेड पे मैंने लगा लिया है। अब मैं अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ये फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है, ईजीली से ब्लेंड हो रहा है। आपको फाउंडेशन जो है एक शेड लाइटर लेना चाहिए अपनी स्किन टोन से, जिससे कि आपका फेस जो है लिफ्ट अप लगेगा और अच्छे से डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड हो जाएंगे, कोई ब्लैमिशेस डार्क स्पॉट है वो भी हाइड हो जाएंगे। अभी मैं ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई करा है वहाँ वहाँ मैं उसको सील पैक करा रही हूँ, जिससे कि कंसीलर मेरा ज़्यादा टाइम तक लगेगा। देन गाइज, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं ब्लू हेवन के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूं। नाउ मैंने ब्लू हेवन का आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल लिया है, ये भी आपको जो है केवल 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, डू चेक इट आउट। तभी मैं इसकी हेल्प से ही जो है अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूं। बहुत ही क्रीमी है ये, ईजीली से आईब्रोज़ को जो है फिल कर देगा। तो नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि ब्लू हेवन वन ब्रांड ट्यूटोरियल काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी। सो यस, ये है आई शेडो पैलेट ब्लू हेवन का। दिस इज़ फॉर जस्ट ₹110। बहुत ही चीप है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इसमें ये सारे कलर्स शेड्स दिए गए हैं। तो मैं पहले जो है ये ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ, लाइट ब्राउन कलर का ये ट्रांजिशन शेड है, इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलेट्स पे। तो इसके बाद में मैं थोड़ा सा ये मरूनिश शेड अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी, ये बहुत ही पिगमेंटेड है मरूनिश शेड, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप बिगनर हो, अभी अभी मेकअप सीखे हो, तो आप इस पैलेट को बाय करके ट्राई कर सकते हो मेकअप। तो डिफरेंट डिफरेंट मेकअप यू कैन ट्राई एट होम। नाउ मैं ये ग्रीन कलर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक कर रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा शिमरी वाला है। तो अब मैं इसको एंगुलर फॉर्म में लगा रही हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है दिस इज़ नॉट वेरी पिगमेंटेड। मुझे बहुत ही हार्ड टाइम लगा इसको पिगमेंट को पिक करने में और फिर अपने आई शेडो में लगाने में। तो अभी मैंने पूरा आई शेडो अपना लगा लिया है और काजल लगा लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। तो मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, सारे ही लिंक्स आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मस्कारा ज़रूर लगाया करिए गाइज आप, बिकॉज मस्कारा से आपकी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल वाइड ओपन दिखती हैं, बहुत ही प्रिटी लगती हैं। सो यस, ये वाला स्टेप हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है ब्लू हेवन का, मैं लगा रही हूँ ये लिप बॉम। तो ये एक मॉइस्चराइज़र है, लिप मॉइस्चराइज़र, तो हम इसको लगा लेते हैं एज अ लिप बॉम। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन हाइलाइटर। ये भी 110 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, आई थिंक 100 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा इन डिस्काउंट्स। तो मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये ब्रॉन्जर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं और हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी पिगमेंटेड, ये एक गोल्डन कलर का हाईलाइट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेके इसको अप्लाई कर लो, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो तो बहुत ही प्रिटी लुक आएगा।
After that, I'm applying this Blue Heaven Powder Matte Lipstick. ये काफ़ी ज़्यादा matte lipstick है और ये जो shade है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. It is Rosy Lips shade PM06. तो सबसे पहले मैं इससे अपना blush लगाऊंगी because मैंने blush भी order करा था but वो अभी तक मुझे मिला नहीं है. सो इसीलिए मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश और फिर ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. बहुत ही अच्छा ये एक रोजी लिप्स पिंकिश कलर है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और देन इसी को ही मैं लिप्स पे लगा रही हूँ आउटलाइन करते हुए लिप्स को और फिर फिल इन कर रही हूँ अपने लिप्स को. आप देख सकते हो अगर आप पाउडर मैट लिपस्टिक परचेज करना चाहते हो तो ये बेस्ट शेड है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो जस्ट फॉर 113 रुपीज़ आपको ये मिल जाएगा अमेज़ोन पे. तो ये रहा मेरा लुक. अभी मैं जल्दी से अपना लुक जो है चेंज कर आती हूँ ड्रेस एंड देन आई विल मीट यू बैक. सो अभी मैंने अपने इयररिंग्स पहन लिए एंड गेटअप तैयार कर लिया. नाउ मैं बिंदी लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द काजल, एक छोटी सी बिंदी जो कि राखी लुक को कंप्लीट कर देगी. सो नाउ माय राखी लुक इज़ कंप्लीट गाइस और आई थिंक गर्ल्स आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना. मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. कोई और रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो. मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में. बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.